गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रामर टॉपिक। और जो टॉपिक है हमारा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आज सबसे पहले जानेंगे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, क्या जरूरत पड़ी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। सीधा सीधा मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करना चाहूँगा कि अगर मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप समझते हैं शेर ने बिल्ली को मारा, शेर ने बिल्ली को मारा, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, यानी कि सीधा सीधा क्रिया आ रही है इसकी कि शेर ने बिल्ली को मारा। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो वो हमारा किसमें चला जाता है, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यानी कि अभी यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो काम, वो किसने किया, शेर ने, किसको, बिल्ली को। वर्ब क्या है, यानी कि जो काम हुआ है वो क्या है, मारने का, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है और फिर वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इस चीज़ की कि पैसिव वॉइस बनाते समय क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं और पैसिव वॉइस इसका बनता कैसे है। तो बेटा पैसिव वॉइस में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर सब्जेक्ट पहुँच जाता है। तो 4 बेसिक रूल्स जो हैं हमारे, उन पर चलेंगे हम, वो क्या है। हाँ तो बेटा, अब आगे हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव की। इसमें मैंने बताया कि इसके 4 बेसिक रूल्स हैं, यानी कि सारा एक्टिव पैसिव जो है वो इसी पर बेस्ड है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव पैसिव आपसे कभी गलती नहीं हो सकती है, ये समझिए। तो सबसे पहला रूल्स है एक्टिव पैसिव का कि बेटा जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। यानी कि मैंने बताया था एक एग्जांपल कि जैसे शेर ने हिरन को मारा, यानी कि द लायन किल्ड द डियर, तो जो लायन है वो सब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो 4 पहला बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट हिरन था हमारा, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कुछ और हो जाएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मतलब कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगा आपको ये करना ही करना है। देन सेकेंड रूल पे आते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अभी, जैसे द लायन किल्ड द डियर, तो डियर ऑब्जेक्ट है, अब डियर कहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट में, तो जो डियर है वो नया सब्जेक्ट बन गया ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस में जाएगा, नया सब्जेक्ट बन जाएगा। सेम प्रोसेस वही कि ये रूल्स तो आपको फॉलो करना ही है। थर्ड है, ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं आप लोग, कि आप सोचते हैं कि इसमें वाज वर्ब लगा है तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हमने उसका पैसिव वॉइस बनाया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे ट्रांसलेशन में होता है कि ट्रांसलेशन वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सेम वही है कि आप अगर पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है। 4th आता है आपका, यूज बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जो आपका नया ऑब्जेक्ट आया है उसके जस्ट पहले बाई का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ऐसे आपके एक्सेप्शनल आएंगे, अपवाद आएंगे, जहाँ पर हम बाई का यूज़ नहीं भी करते हैं, तो वो एक्सेप्शनल आपको नहीं समझने, वो आगे जब आएगा तो मैं बताऊँगा उस बारे में, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक रूल्स है कि आपको बाई का यूज़ करना है, ओके। तो ये 4 बेसिक रूल्स हैं, आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव नहीं आ सकता है। सेम वैसे जैसे कि ट्रांसलेशन में अगर आपको उसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन या स्टोरीज या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बना ही नहीं सकते। सेम वही चीज़ है कि एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के जो बेसिक रूल्स हैं वो ये 4 हैं। इन्हीं 4 पर एक्टिव पैसिव की पूरी बिल्डिंग टिकी है, ये 4 स्तंभ हैं आपके। तो ये हो गए। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला की, यानी कि ठीक है आप ये पता चल गया, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है कि बनेगा कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बता आता ही है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है आपका, वर्ब का यूज कर सकते हैं, देन क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब ये ऑब्जेक्ट, अभी भी क्या मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं क्या, बाई प्लस, बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका। इसमें एक चीज इंक्लूडिंग होती है कि कहीं पर हमारे एक्स्ट्रा वर्ड भी होते हैं, टुमारो, दैट डे, तो वहां पर क्या आता है, प्लस अदर वर्ड। ये चीज ध्यान रखनी, ये आपके अदर वर्ड होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया है। आशा करता हूँ ये स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आया होगा और ये बेसिक रूल्स भी, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। और इसके आगे मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कैसे किस टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। हाँ तो बच्चा आगे बढ़ेंगे हम। मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया था एक्टिव पैसिव वॉइस में। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन था वो कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब वो कहाँ पे कैसे ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट समझ लो। जैसे आपके वो बेसिक रोल्स थे जो एक्टिव पैसिव के, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है आपका टेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि एक्टिव वॉइस में टेंस आपको कुछ और दिया होगा, आप जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली टेंस आपको कुछ और चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं सारे टेंसेस की बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और एक भी बात बेटा कि नोट्स बनाते चलें, आप यूट्यूब की वीडियो को पास कर सकते हैं और उसका नोट कर सकते हैं, या आप उसका स्क्रीन शॉट ले लें, बाद में रिटर्न कर लें, एज जरूरी, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेटा प्रेजेंट इनडेफिनिट की, यानी कि एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट इनडिफिनिट में गिवन है। प्रेजेंट इनडिफिनिट में दो तरीके से गिवन हो सकता है, कैसे? प्रेजेंट इनडिफिनिट में दो तरीके से ऐसे गिवन हो सकता है, या तो वो अफर्मेटिव वाला होगा जिसमें एस आई एस लगा होगा, या तो वो डू या डस वाला होगा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो या डू या डस लगा होगा। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जब वो प्रेजेंट इनडिफिनिट में होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इज एम आर में। अच्छा, कुछ लोग इसको ये बताते हैं कि प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस अपने अगले वाले यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहने से हमें जो वर्ब की फॉर्म लगानी होगी वो आईएनजी लगानी होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। और हम जानते हैं कि वर्ब जो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। हाँ, आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पैसिव बनाते समय टेंस अगर प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के जिस भी टेंस में है वो प्रेजेंट के उसी अगले टेंस में चला जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस में जिस टेंस में होगा उसके अगले में चला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यहीं पर है, इज एम आर मैंने, और ये ध्यान रखना है प्लस क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होती है। ओके, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात आते हैं। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज एम आर में गिवन होगा, राम इज राइटिंग अ लेटर, तब उसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो लेटर इज क्या हो जाएगा, रिटन थर्ड फॉर्म आएगी और बीइंग आ जाता है। यानी कि जब इज एम आर गिवन होगा तब क्या आ जाता है, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। ओके, जैसा ऑब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं, और पैसिव बनाएंगे तो बीइंग का यूज करना है आपको। और एक चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होगी, जैसा कि मैंने बेसिक रूल बताया था। ठीक है, मैं बार बार इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तो बेटा सबसे जरूरी है ये, तुम समझ लो उसको। इसके बाद करते हैं बातें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होगी, हैज है। आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो आपको करना ही करना है। ओके, अब ये तीन टेंस हो गए, अब बात करते हैं उसमें हम पास्ट की। ठीक है, अब देखिए पास्ट में कैसे क्या रूल चेंज होते हैं ये भी समझ लीजिए अच्छे से। हाँ तो बेटा आगे हम बात करते हैं, अब बात आती है पास्ट की। पास्ट टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये ध्यान रखिए कि जब भी सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस आपका पास्ट इंडिफिनिट में गिवन होगा, जब ये चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ कि बेटा अगर पास्ट इंडिफिनिट में होगी तो आपको करना क्या, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर उसमें डिड का यूज़ होगा।
देन आप समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है, और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका पैसिव जब बनाएंगे तो वो पास्ट वाज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो सेम वही चीज़, अब मैंने वाज वर लगाया, इसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा जब पास्ट कंटीन्यूअस का मीन्स होगा उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना, लेकिन हम पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्या होता होगा यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं वाज वर्ब में जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ओके सिंपल से रूल है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ अगर पास्ट कंटीन्यूअस में होगा एक्टिव वाइज, देन अगर पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो उसमें वाज वर्ब गिवन होगा, तो वो कन्वर्ट होके किस में जाएगा, वाज बीइंग और वर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके आई बात समझ में अच्छे से आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है, ये चीज ध्यान रखें। देन आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर आपका एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट में गिवन है, पास्ट परफेक्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, और जब वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड भी ना जाएगा। ओके और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई बात समझ में इतनी। अब ये चीज आपके मन में जरूर आ रही होगी कि सर पास्ट परफेक्ट तक ही होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा अगर एक्टिव वॉइस ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया होगा तो आप ये बताएं कि जो टेंस होते हैं वो तो होते चार ही टाइप के हैं ना, टेंस के जो पार्ट होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चार के अलावा आगे तो कुछ होता नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा तो उसको कन्वर्ट होने के कहाँ जाएगा, पहली बात तो सेंटेंस होगा नहीं उसमें, ठीक है, और होगा भी तो उसको वैसे का वैसे ही नोट कर देंगे, ये समझ लीजिए वो बन नहीं सकता है उसका, आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं हम फ्यूचर की, आगे चलेंगे बेटा हम, प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो गए, अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये आप समझ लीजिए अच्छे से, कि जब भी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में गिवन होगा एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, विल या शैल आपके सामने दिया होगा, देन आप उसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो विल बी शैल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर ऐसे तो हम विल उसमें इज बीइंग आर बीइंग ये सब लगाते थे, लेकिन यहाँ पर बी क्यों लगाया गया है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है और ये गलतियाँ होंगी, ज़रूर होंगी आपसे, कि आप विल शैल को विल बीइंग शैल बीइंग में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर के कुछ जो रूल्स हैं वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, कि यहाँ पर बीइंग नहीं बी लगता है, ओनली विल बी शैल बी। ओके ध्यान रखना है आपको। देन बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, विल हैव, शैल हैव होगी। इससे पहले मैं ये बता दूँ कि आप सोचेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ड जो थी वो पहले ही यूज़ हो चुकी वहाँ पर, अब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस जो होगा वो एक्टिव वॉइस में ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसका पैसिव बन ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर भी विल बी दिया होगा पहले से और एनजी फॉर्म लगी होगी, तो क्या आप उसका पैसिव विल बी बीइंग थोड़ी बनाएंगे, तो वो नहीं बन सकता उसका। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर होगा आपके सामने तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव गिवन होगी, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द जो प्रोफार्मा है कि आई और वी के साथ में शैल का यूज़ कर सकते हैं करते हैं और बाकी अदर जो है वो विल के साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये टेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब कैसे कितने का बनता है, वो मैंने सारे बता दिया है, आप इनको नोट डाउन ज़रूर से ज़रूर कर लें बेटा, अगर आप अकॉर्डिंगली अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा तो शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी ले लिया मैंने, जैसे ले लिया राम इज राइटिंग अ लेटर, एग्जाम्पल आपके सामने राम इज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है, अगर मैं हिंदी में ही इसका पैसिव बनाना चाहूँ तो ये बनेगा कि भाई हिंदी में क्या मतलब, राम ने एक पत्र लिखा, क्या बनाएंगे हम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया, सीधी सी बात है, इसको इंग्लिश में कर दीजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है राम, ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर,
अकॉर्डिंग टू द रूल्स क्या था, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो अभी ऑब्जेक्ट क्या है आपका आ लेटर, जो ऑब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट बनता है यानी कि आ लेटर, ठीक है। पहला रूल हो गया कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा आ लेटर, उसके बाद क्या बता क्या होता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है प्रोफार्मा क्या आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। आप देखें कि जो एक्टिव वॉइस था उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है इज, राम इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप ध्यान करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें जाता था इज एम आर तो दिया था इसमें, और वो किसमें जाता है इज बींग आर बींग और एम बींग में, तो यहाँ पर आ लेटर लेटर के साथ में इज आना है, अ लेटर इज बींग ये हो गया। अब सब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गई, देन आते हैं वर्ब की बात पर, तो वर्ब है राइटिंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी उसकी रिटन, ये ध्यान रखना है अ लेटर इज बींग रिटन। अब मैंने कहा था ऑब्जेक्ट ही बच, सब्जेक्ट जो बचा है वो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और नए ऑब्जेक्ट के पहले ऑलवेज बाय का यूज करेंगे, अ लेटर इज बींग रिटन बाई राम, बाई राम, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने इसलिए बताया बेटा ताकि आपको पता चल जाए कि रूल्स का यूज कैसे करते हैं। अब सारे रूल्स को जब याद कर लेंगे आप, इसकी अगली वीडियो में आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से इसको समझ लें, ये अच्छी बात है बेटा।